गाइज, मैंने डाटा रिकवरी के बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर जो है वो ट्राई किए हैं, लेकिन हर किसी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है रिकवरी में, जिनकी स्पीड यानी कि बहुत लो है डाटा रिकवर करने की, और आपके घंटों लग जाते हैं डाटा रिकवर करते करते। और कुछ सॉफ्टवेयर जो आपकी फाइलों को, आधी फाइलों को करप्ट कर देते हैं, और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि आपकी फाइलों का साइज जो है वो कम कर देते हैं, और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिनके अंदर आप डीप स्कैन नहीं कर सकते, मीन्स आपकी फोटोज और वीडियो जो कि अभी अभी जो है डिलीट हुई है वो सिर्फ निकालते हैं, जो कि पुरानी है, एक मंथ पहले, दो मंथ पहले, चार मंथ पहले की वो फोटो जो है वो नहीं निकाल पाते। तो गाइस, मुझे बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर मिला है जो कि 5 मिनट में 1000 GB तक का डाटा जो है वो रिकवर कर सकता है, जिसमें आपकी वीडियोज हो सकती है, आपकी फोटोज हो सकती है, आपकी फाइल्स हो सकती है, आपके डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, ऑडियोज हो सकते हैं। तो गाइस, फिर ये फर्क नहीं पड़ता कि आप जो कौन सी डिवाइस से जो है वो इसको रिकवर कर रहे हैं, आप USB से, मेमोरी कार्ड से, जो है PC से, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव से, तो आप उसी स्पीड से जो है वो डाटा को रिकवर कर सकते हैं। जी, तो आज की वीडियो के हमारे दो स्टेप हैं। पहले स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर है, उसको आपने डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करना है। दूसरे नंबर पर आपको बताऊंगा कि आपने डाटा को रिकवर कैसे करना है। तो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है। तो गाइस, डाउनलोडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से जाकर क्लिक करें, और या इस तरीके के आप जो पेज के ऊपर आ जाएंगे, यहां पर अगर आप क्लिक करेंगे फ्री डाउनलोड के ऊपर, तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आपका डाउनलोड हो जाए तो इस तरीके का ये जो है सॉफ्टवेयर बनकर आ जाएगा। आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, तो इस तरीके का ये इंस्टॉल का ऑप्शन दे देगा। तो आपने यहां से इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना, तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस, यहां पर अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं, ऑफिशियल वर्जन जो है बाय करना चाहते हैं, तो आप यहां से बाय भी कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप जो है फ्री वाला यूज करें, इससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट जो है वो आप ले सकते हैं। चलिए दूसरे नंबर में बात कर लेते हैं अपने डाटा को रिकवर कैसे करना है। तो गाइस, यहां पर जब आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है, तो इस तरीके का इसका इंटरफेस नजर आता है। यहां पर आपकी डिस्क नजर आती है, डेस्कटॉप, रिसाइकल बिन, और जो भी कोई आप फ्लैश या मेमोरी कार्ड यहां पर लगाएंगे या एक्सटर्नल हार्ड वगैरह लगाएंगे, वो यहां पर आपकी शो हो जाएगी। तो गाइस, चलिए अब हम जो है इस तरीका सीख लेते हैं हमने करना किस तरीके से है। तो गाइस, यहां पर हम सैंपल के तौर पर देखते हैं, ये जो है एक जो है मेरा फोल्डर है डाटा के नाम से, इसके अंदर 271 MB का जो डाटा है। यहां से मैं इसको जो है ओपन करता हूं, तो यहां पर ये जो सारी फाइल्स हैं, वीडियोस भी हैं और फोटोज भी हैं, इनको जो है मैं यहां से डिलीट कर देता हूं। ठीक है, डिलीट करने के बाद जो है मैं यहां पर इसको रिसाइकल बिन से भी इसको एम्प्टी कर देता हूं, ताकि ये बिल्कुल कंप्यूटर से गायब हो जाए। तो अब जो हम इसको जो है वो रिकवर करते हैं। तो गाइस, ये जो फाइल मैंने अभी डिलीट की है, ये हमारे जो है इस डिस्क में है, डाटा बैकअप में। तो यहाँ पे हम जब डबल क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ये जो है रिकवर करना स्टार्ट कर देगा। तो गाइस, यहाँ पर आप इसकी स्पीड देखें, इसने थोड़े ही यानी कि सेकंड्स के अंदर 91 GB जो है रिकवर कर लिया है। यहाँ पर आप देखें 8 मिनट वो दे रहा है पूरी इस डिस्क को स्कैन करके, यानी कि रिकवर करने के, यानी कि स्पीड काफी फास्ट है। तो गाइस, हमने कौन सा फोल्डर है जिससे हमने डाटा जो है वो डिलीट किया था, यहाँ से हम जो है उसको सर्च कर लेंगे। ये देखें, डाटा के नाम से हमारा फोल्डर है, डाटा के नाम से इसको हम जो है ओपन करेंगे। तो गाइस, ये देखें हमारी जो है वीडियोज और जो है फोटोज है वो दोनों जो है रिकवर होकर आ चुकी है। हम जो है अब इसको सेव कर लेते हैं। अगर आपकी रिक्वायर्ड फाइल जो है वो यानी कि शो हो जाए, तो आप जो है यहाँ से इसको जो है वो बंद कर दें, यहाँ से आप इसको बंद करके स्टॉप कर दें, और गाइस यहाँ से आप जो है ये फाइल्स के ऊपर जो है टिक कर लें, चेक मार्क जो है इसके ऊपर लगा लें, और यहाँ से जो जो फाइल आप रिकवर करना चाहते हैं उसको चेक मार्क करके इस तरीके से आप जो है रिकवर के ऑप्शन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देंगे। तो अब आपसे वो पूछा है आप कहाँ पर इसको जो है सेव करना चाहते हैं, तो मैं न्यू जो है अगली मेरी डिस्क है उसके अंदर मैं न्यू फोल्डर बनाता हूँ रिकवर्ड के नाम से। तो इसको जो है मैं यहाँ पे रिकवर के नाम से सेव कर दूंगा। तो गाइस, आप देख सकते हैं कितनी स्पीड से हमारा डाटा जो है वो रिकवर हो रहा है। आप देख सकते हैं 325 MB का डाटा जो है उसने रिकवर कर दिया। तो इसको हम व्यू करते हैं, तो गाइस यहाँ से ये देखिएगा हमारा डाटा जो है फुल HD में। तो गाइस, ये देखिए फुल HD में हमारा डाटा जो है वो रिकवर होके आ चुका है। यहाँ पर ये देखें, ये दो वीडियोज हैं पूरे पूरे MB की हैं, और ये देखें ये सारी फाइल जो है फुल HD में आ चुकी हैं। किसी की भी पिक्सल जो है वो कम नहीं हुए, किसी के भी जो है वो हमारे साइज जो है वो कम नहीं हुआ। ये देखिए, हमने 271 MB का निकाला था, लेकिन यहाँ पर 325 MB। उसकी वजह ये है कि कुछ जो इमेजेस हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ इमेजेस जो हैं इनके डबल डबल जो है वो आ गई हैं, इस वजह से डाटा जो है वो थोड़ा ज्यादा हो चुका है। तो गाइस, बहुत ही ईजी है डाटा को रिकवर करना। तो गाइस, आज की वीडियो जो है हमारी यहीं तक थी। अगली वीडियो तक के लिए बाय।